हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पढ़ो 24x7। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी कर्व, जो क्लास 11 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा आप मुझे इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक है अजय सिंह कलहंस, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अजय कलहंस, मेरा टेलीग्राम चैनल है इकोनॉमिक्स विद अजय सिंह, मेरी जूम आईडी है जहां पे मैं 11th और 12th को क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ इकोनॉमिक्स की, ये मेरी जूम आईडी है, प्लस मेरा जो यूट्यूब चैनल है पढ़ो 24x7, ये तो सब आप लोग जानते ही है। ठीक है, तो हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, यानी कि पीपीसी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली होता क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द अजम्पशंस दैट रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मीन्स कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका वो कर्व होता है जो अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को दो गुड्स पे पूरी तरीके से क्या करना, यूज करना, उन रिसोर्सेज को हम दो गुड्स पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब ये बात सोचिएगा कि हम सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सेस सिर्फ दो है, तो हम इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो गुड्स के बारे में स्टडी करते हैं, बाकी प्रोडक्शन तो आप लोगों को पता है कि एन नंबर ऑफ गुड्स का हमेशा होता है। ओके, तो पीपीसी कर्व क्या है, बेसिकली पीपीसी जो कर्व है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है। कॉम्बिनेशन किन चीजों की शो करता है, जो दो गुड्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन शो करता है हमें, किनके साथ, कुछ अजम्पशंस के साथ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अजम्पशंस है, चलो अजम्पशंस बाद में देखेंगे, पहले हम इसका वो देखते हैं। ठीक है, तो गुड्स दो होते हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि अगर ये आपके सामने पीपीसी है, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, पीपीसी है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो पीपीसी में पहला देखो, यहाँ पे आपका वीट का प्रोडक्शन है, यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन है, और यहाँ पे आपका क्लॉथ का प्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, क्लॉथ का प्रोडक्शन है, और यहाँ पे आपका क्या है, वीट का प्रोडक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके दो गुड्स दे दिए, अब इन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली आप, मैंने एक शेड्यूल भी बना रखा है, शेड्यूल को देखो, आपके पास दो गुड्स हैं, वीट, ओके, और क्लोथ्स। ठीक है, वीट और क्लोथ्स। सबसे पहले हमने क्या करा, अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं तो कॉम्बिनेशन ए में हमने सारे के सारे रिसोर्सेस क्या करे, वीट पे लगा दिए और क्लोथ पे कुछ भी नहीं लगाए। ठीक है, अगर हमने सारे रिसोर्स क्लोथ ए वीट पे लगा दिया और इस पे नहीं लगाया, दैट मींस हमारा जो वीट का जो पहला पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, ये रहा, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट बी, हमने क्या करा, वीट में से थोड़ा सा रिसोर्सेस कम किया और क्लोथ को बढ़ाया। ध्यान से देखिएगा शेड्यूल को, इस शेड्यूल को मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, वीट में से थोड़ा सा कम करा और क्लोथ में से थोड़ा सा, क्लोथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ पे हमने वीट को थोड़ा सा कम करा और क्लोथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि 100 से 90 आपका वीट हो गया और 1 कहां पे हो गया, आपका क्लोथ, यानी कि पॉइंट बी आपका ये रहा। क्लियर, नेक्स्ट वी हैव 70, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक रिसोर्स को कम करते जा रहे हैं, यानी कि एक रिसोर्स को हम कम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और दूसरे रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि रिसोर्स तो नहीं, एक प्रोडक्शन, एक कॉमोडिटी का, जो गुड एक्स बोल लो चाहे आप इसको, गुड एक्स को कम कर रहे हैं और गुड वाई को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या उल्टा बोल लो, गुड वाई को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और गुड एक्स को हमेशा बढ़ा रहे हैं। खैर एक्स ही होगा कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज होगी कि गुड एक्स आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और गुड वाई आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो कॉम्बिनेशन शो करता है किन्हीं भी दो गुड्स के प्रोडक्शन का। ओके, अब कॉम्बिनेशन किस तरीके से शो करेगा, कोई ना कोई अजम्पशंस भी ली होगी हमने, तो उन अजम्पशंस के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशंस आर रिसोर्सेज आर गिवन, ये तो खैर सबसे आम है कि रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन कहां से करेंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज होना मस्ट है, कि रिसोर्सेज गिवन होने चाहिए तभी हम अपना पीपीसी कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, फिर रिसोर्सेज आर
फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब रिसोर्सेज आपके फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए, कहीं भी रिसोर्सेज आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो आपकी टेक्निक है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. आप पूछोगे टेक्निक का इससे क्या रिलेशन, क्या होता है बच्चों, अगर हम अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करते हैं तो टेक्निक को इम्प्रूव करने का मतलब ये होता है कि हम कम रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि हमारी वेस्टेज कम होती है वहां पे. कम में ज्यादा तो नहीं हो सकता, बट ये है कि हम वेस्टेज वहां पे हमारी कम से कम होती है जितनी अच्छी टेक्निक हम यहाँ पे यूज करें. तो टेक्नोलॉजी हमारी कॉन्स्टेंट ही रहनी चाहिए. जो टेक्नोलॉजी हम पॉइंट ए पे कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी का यूज हम पॉइंट बी पे करेंगे, वही टेक्नोलॉजी का यूज हम पॉइंट सी पे करेंगे, वही डी पे और पॉइंट ई पे. क्लियर हो गया. तो ये था हमारा पीपीसी कर्व. अब पीपीसी कर्व के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. जो भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर, सपोज करो पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, ये सारे क्या है, ये फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है. ठीक है, ये जो आपके पॉइंट है, ये जो प्रोडक्शन है, ये फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज है. इससे ज्यादा हम इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते इन रिसोर्सेज के साथ. ठीक है, अगर कोई भी आपके अंदर हो, सपोज करो कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं उसको, जो पॉइंट आपके कर्व के अंदर होंगे वो क्या होंगे, वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होंगे, वो होंगे आपके अंडर यूटिलाइज कर्व, अंडर यूटिलाइज पॉइंट्स होंगे. ठीक है, कि वहां पे आपका जो रिसोर्सेज हैं वो भी अंडर यूटिलाइज है, उसमें हम कुछ और प्रोडक्शन अभी भी कर सकते हैं. ओके, और जो पॉइंट आपका बाहर है, सपोज करो दिस वन, ये पॉइंट है पॉइंट एफ, ये क्या है आपका, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. अब अनअटेनेबल क्या बोला है भाई, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वो कॉम्बिनेशन जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो पॉसिबल ही नहीं है. अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दो बच्चों, अगर हमारे मैक्सिमम रिसोर्स ही यहां तक है तो हम इससे बाहर तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना, अनटिल एंड अनलेस हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज ना हो. ओके, तो ये चीज है आपके पीपीसी के बारे में. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, तो अगली स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग. हेयर वी आर. सो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत. क्या बोलते हैं, अवसर लागत. ओके, आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश करिएगा, इससे आपको भी एक रियल क्लास जैसा एनवायरमेंट यहाँ पे लगेगा. ओके गाइस, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अवसर लागत, मींस इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन विच नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज. मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो आपकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होती है. अब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब जो भी अभी आपके पास है, करंट में जो आपके पास है, उसके अलावा जो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, मैंने तीन कंपनीज में अपना इंटरव्यू दिया. कितनी कंपनीज है बच्चों, तीन कंपनीज में. ठीक है, फर्स्ट कंपनी में मुझे सैलरी ऑफर हुई 30,000. ओके, सेकंड कंपनी में मुझे सैलरी ऑफर हुई 24,000 एंड थर्ड कंपनी में मुझे सैलरी ऑफर हुई 20,000. तो आप बताओ मैं किस कंपनी में जॉब करना पसंद करूं. ऑब्वियसली 30,000. ओके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अब 30,000 वाली में मैं काम कर रहा हूं, अब वहां से किसी रीजन की वजह से मुझे वहां से फायर कर दिया गया. ठीक है, मैंने वहां से जॉब छोड़ी, तो अब मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, 30, 24 और 20. ऑब्वियसली 24. ओके, तो दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, समझ में आ गया. यही आपका कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्टरनेटिव, आपका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है. ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन और है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है ये वाली. इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू. अब ध्यान से सुनो, मैंने इकोनॉमिक्स की जब पहली वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. अब एक बात बताओ बच्चों, अगर रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होंगे, अगर लिमिटेड रिसोर्स में हम सपोज करो लिमिटेड रिसोर्स में हमने पूरी की पूरी रिसोर्स को हमने दो हिस्सों में बांट दिया. ठीक है, कि हम पूरी की पूरी रिसोर्सेज में से क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरे का प्रोडक्शन घटेगा ही घटेगा. ऑब्वियसली एग्जाम्पल देता हूं आपको, यहां देखिए
ये देखिए, अगर मैं इसका प्रोडक्शन आपका बढ़ाऊंगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है ना यहाँ पे 100 से 90, 90 से 70, 70 से 40 एंड 40 से 0। मतलब कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हो और दूसरे का प्रोडक्शन घटाते हो, यही आपका क्या होता है, इसमें जो भी आपका लॉस और गेन हो रहा है वही आपका बच्चों क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, वही आपकी क्या होती है बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नहीं समझ में आया होगा, समझाता हूं अभी ध्यान से। मतलब कि एक को गेन करने के लिए दूसरे को हम जितना सैक्रिफाइस करते हैं, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, एक पूरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, यहां देखो, ये है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये है हमारी क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सीमांत अवसर लागत। अब ये क्या होती है बेटा, मार्जिन वर्ड जहां भी आपने सुना, मैं आगे भी आपको चैप्टर्स करवाऊंगा जहां पे हम मार्जिन रेवेन्यू पढ़ेंगे, मार्जिन कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट में चेंज होने की वजह से जो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एडिशनल यूनिट में क्या लिखा हुआ है, द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू। यूज वन यूज टू से मतलब है गुड वन और गुड टू, कोई एक गुड और गुड टू, यानी कि गुड टू के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, गुड टू के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए गुड वन के आउटपुट को जितना हम हर यूनिट पे सैक्रिफाइस करते हैं, वही हमारा होता है क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोबारा से देखिए, मैंने क्या बोला कि गुड वन, अगर मैं इसको यूज वन मानू, गुड वन मानू, तो गुड वन को गेन करने के लिए गुड टू को आप जितना सैक्रिफाइस करते हो, ठीक है, अगर आप गुड टू को जितना सैक्रिफाइस करते हो 100 से 90, 90 से 70, 70 से 40, यही आपका क्या कहलाता है बच्चों, यही आपका कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन भी है, अगर आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, तो ये क्या होता है आपका डेल्टा वाई, यानी कि जो भी आपका, जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसके अंदर जो भी चेंज आ रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइस अपॉन में गेन, जो भी आप गुड एक्स को क्या कर रहे हो, यहाँ पे गेन कर रहे हो, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको एक इससे एग्जांपल से समझते तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए, गन्स की यूनिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ब्रेड की यूनिट है 30, 28 एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से सैक्रिफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइस की, तो सैक्रिफाइस ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है ब्रेड हो रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है, और अगर गेन की बात करूं तो गेन क्या हो रहा है आपका, गन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जो सैक्रिफाइस हो रहा है उसको जो गेन हो रहा है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेटा पहले यूनिट में तो हम नहीं बता सकते कि हम गेन कर रहे हैं या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, डैश छोड़ दिया। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया। अब दूसरी यूनिट पे, जीरो से क्या करा हमने, वन, और यहाँ पे 30 से क्या हुआ, 28। दैट मींस दो यूनिट का सैक्रिफाइस करा किस लिए, ताकि हम वन यूनिट का गन प्रोड्यूस कर सके। तो दो यूनिट का सैक्रिफाइस करा जो लॉस था, और गेन कितना हुआ, वन यूनिट का डेल्टा गेन। एडिशनल देख रहे हैं बच्चों, टोटल नहीं देख रहे, एडिशनल देख रहे हैं। ठीक है, एडिशनल यूनिट, यही आपका क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फिर से हमने क्या करा, इसको सैक्रिफाइस करा चार यूनिट का, और एक यूनिट को क्या करा, गेन करा, सैक्रिफाइस गेन, फिर से सैक्रिफाइस करा, फिर से गेन करा, फिर से सैक्रिफाइस करा, फिर से गेन करा, फिर से सैक्रिफाइस, फिर से गेन, यही यहाँ पे चलता रहता है आगे आपका, यही आपका कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, सो समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ठीक है, पीपीसी की हमें क्या देखनी है, प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप हमेशा क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है। स्लोप डाउनवर्ड होने का एक बेसिक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ,
कहीं भी अगर दो वेरिएबल्स में आपको इनवर्स रिलेशन दिखे, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा हो और दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो वहां पे स्लोप 110% डाउनवर्ड ही बनेगा, क्योंकि एक को गेन करने के लिए हम दूसरे को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, ऑब्वियसली बात है। जहां पे इनवर्स रिलेशन आपने देखा तो वही आपका क्या कहलाया जाएगा, ये स्लोप डाउनवर्ड होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। यहां देखिए इनवर्स रिलेशन है, एक घट रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 100 से 90, 90 से 70, 70 से 40, 40 से 0, फिर ये इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दैट मींस क्या है, दैट मींस है कि हम एक को डिक्रीज कर रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, यानी कि स्लोप हमारा क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट इधर देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव, वेट, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये क्या बच्चा आपका कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब ये चीज देख रहे हो आप, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से क्या कॉनकेव, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। तो कॉनकेव मतलब होता है, कॉनकेव होने का रीजन बच्चा यहाँ पे बेसिकली है कि जो भी हम इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, इसके स्लोप का नाम होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम MOC ही बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके, सेम चीज होती है। तो यहाँ पे कॉनकेव होने का बेसिक रीजन ये है कि आपका जो MRT होता है वो आपका इंक्रीज होता चला जाता है। देखते हैं एक बार फिर से, यहां देखिए मैंने यहां पे MRT कैलकुलेट करा, ठीक है, यहां पे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी कि MRT आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। अगर आपका MRT इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका कोई भी कर्व हो वो हमेशा कॉनकेव टू द ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन से आपका क्या बनेगा, वो कॉनकेव ही बनेगा। और यही स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा हो तो आपका वो कॉन्वेक्स बनेगा, जो हम आगे फर्दर चैप्टर में भी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका PPC का पूरा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, एक लास्ट चीज कि आप मुझे इन सब जगह पे फॉलो करना ना भूलिएगा, ओके, इन सब जगह पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा।